The fifth term. Eighth term and 11th term. So we are expecting P2S. Then Q square is equal. The fifth term, eighth term, and 11th term of GP are respectively P, Q, and S respectively. तो हमें ये find out करना है कि Q square किसके equal है. Now what is the fifth term of GP? A. ये हमारा P के equal है. A R की power 4 equal to P. इसके बाद कौन सा टर्म है? एट टर्म. अब आपके ऑप्शन क्या क्या है? Yes, P square S, Yes square. ये हमारा चार ऑप्शन है. फिफ्थ टर्म, एट टर्म एंड 11th टर्म ऑफ जीपी आर पी क्यू एंड एस. तो हमें निकालना है क्यू स्क्वायर. एक बार क्यू स्क्वायर निकाल के देखो क्या क्या आंसर PSO. इसका मतलब Q स्क्वायर PS के इक्वल. Q स्क्वायर इक्वल टू PS. पहला प्रॉब्लम ही है बेटा, लिख लीजिए इसको. फिर जिसको नहीं समझ में आया दोबारा बताओ. आपकी आवाज नहीं आई. मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी रुक गई थी जब आपने AR4 वो PS पे टिक किया तब. अच्छा मैं यहाँ पर आ रहा हूँ. जब आवाज अब आ रही है आवाज? यस सर. और वो अभी पहले नहीं आ रही थी? हाँ सर. यार ये कल से दिक्कत दे रहा है, सेटिंग की कुछ दिक्कत हो. आ जाओ बेटा. यार तुम्हारा वो स्कैनर उठाऊंगा तो मेरे से, क्योंकि आज कोई भी नहीं आएगा, मेरे से लेना. अभी मेरे लिए एक मिनट के लिए बेटा देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ हो.
हेलो जी हेलो चलिए यस बेटा आवाज आ रही है यहां तक ऑनलाइन ठीक है चलो आज आज हमें करना पड़ेगा क्योंकि दिक्कत है कुछ सेटिंग में कुछ दिक्कत हो रही है कल से चलिए यहां तक तो अपन कर लेते हैं यहां तक से तो आवाज आ जाएगी ए आर की पावर फोर इस वाले प्रॉब्लम को देखना द फिफ्थ टर्म एट टर्म एंड इलेवेंथ टर्म और जीबीआर पी क्यू एंड एस रेस्ट फिफ्थ टर्म क्या हो गया ए आर की पावर फोर तो ए आर की पावर फोर आ गया पी के इक्वल एट टर्म हो गया ए आर की पावर सेवन और इलेवेंथ टर्म आ गया ए आर की पावर टेन तो ये हो गया हमारे पास अब मुझे निकालना है क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर मतलब ए आर की पावर सेवन का होल स्क्वायर तो ए आर की पावर सेवन का होल स्क्वायर क्या हो गया तो ए स्क्वायर आर की पावर तो ए स्क्वायर आर की पावर फोर्टीन किसका होल स्क्वायर अब ये क्यू स्क्वायर आ गया पहला ऑप्शन क्या है पी और एस ये हमारा पी और एस है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा इसका मतलब इसका आंसर किसके इक्वल है पी एस के सो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस नाराज नहीं
चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। बेटा बातें करनी है तो मैं चला जाऊं। दिव्यांश द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 24 एंड सिक्स टर्म इज 192। थर्ड टर्म क्या है? तो हमारे पास आर का वैल्यू टू आ गया। अब आर का वैल्यू टू आ गया तो ए का वैल्यू सिक्स। अब हमें कौन से टर्म निकालेंगे? ए आर की पावर इसके बाद बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। इसको कॉपी कर लीजिए और इसके बाद लिखिए सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। नंबर ऑफ टर्म्स टर्म्स एंड कॉमन रेशियो। यदि हम नंबर ऑफ टर्म्स भी सपोज कर रहे हैं तो आप ये तीन टर्म ये मान, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, हमें सपोज कब करना है? जब हमें प्रोडक्ट गिवन। एपी में कब सेलेक्ट करते हैं? जब हमें सम गिवन। ये तीनों को दोनों का कंडीशन यहाँ पर, जब इनका प्रोडक्ट गिवन है, जैसे कोई भी तीन नंबर आप सपोज करते हैं प्रोडक्ट इज ए, तो आप ये तीन नंबर सपोज कर सकते हैं। लेकिन आपसे प्रोडक्ट नहीं गिवन है, फिर बेटा आप तो फिर जनरल लोगे। जनरल क्या लोगे? तीन टर्म ए आर ए फर्स्ट तीन टर्म क्या लोगे? ए आर एंड। लेकिन यदि आपको प्रोडक्ट गिवन है तो फिर ए बाई आर ए आर। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका एक फायदा, जब मैं इन तीनों का प्रोडक्ट करूंगा तो क्या कट जाएगा? आर। तो सिर्फ क्या मिलेगा हमें? ए मिलेगा। इसलिए ऐसा नाम
फाइव टर्म्स ए बाय आर स्क्वायर ए बाय आर ए ए आर ए आर स्क्वायर कॉमन रेशियो ऑफ बस ये तीन चीज आप याद भाई वो जनरल ये जी पूछेगा जनरल मिडिल टर्म है इधर की तरफ ए बाय आर इधर ए ठीक है पांच पूछेगा तो मिडिल टर्म है ए बाय आर ए आर ए बाय आर स्क्वायर ए बाय ए आर चलिए अब इसमें किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है इससे तो क्या ऑप्शन से पता लग जाए क्यों आपको तीन नंबर पूछे वहां से देख लो कि भाई कौन जीपी में आ रहा आपको कुछ करने की जरूरत ही देखिए भाई द सम ये प्रॉब्लम आ चुकी है मैंने बोला सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है आंसर पता है तुम्हें भी पता है बताओ वाला कैसे हो जाएगा तेरा सम 38 आ रहा है क्या अरे सम कितना है भाई सम भी तो 38 आना चाहिए आपका जीपी में थोड़ी जीपी तो सेकंड वाला भी जीपी में जिसका कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो कितना 1.5 सेकंड वाला जो है वो भी कॉमन रेशियो कितना 1.5 भाई 8 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8 तो आपका आंसर क्या होता है भाई सम 38 आना चाहिए और मल्टीप्लाई 1 से 1.8 आना चाहिए इसलिए आंसर कौन सा होगा बी ऑप्शन मेथड बता रहा भाई प्रोडक्ट है 1728 के तो वहां से हमारा एक का वैल्यू 12 प्रोडक्ट इज 1728 तो एक का वैल्यू कितना आ गया 12 अच्छा सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी कितना है फैक्टर बताओ भाई भाई जब इस मेथड से
आर इक्वल टू टू बाय थ्री और थ्री बाय टू। टू बाय थ्री एंड थ्री बाय टू। अब जैसे आर टू बाई थ्री आया, अब नंबर निकालो, सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर अब इतना करने की जरूरत नहीं थी, बस ये आपको इस तरह से सब। भाई पहला वाला आंसर हो ही नहीं सकता, ना एपी में ना जीपी में, तो जीपी में निकालना है। ये दो नंबर क्यों काट दिए मैंने, क्योंकि दोनों जीपी में नहीं, उसने बोला तीन नंबर जीपी में, तो तीन नंबर जीपी में ना तो ए वाला आंसर है ना सी वाला आंसर। अब बी वाला चेक करो सर, डी है। एट में से वन सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया सेवन, सिक्सटीन में से सेवन सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया नाइन, थर्टी टू में से ट्वेंटी वन सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया इलेवन, और सेवन नाइन इलेवन काय में आ रहा है, एपी में आ रहा है, तो एपी में भी आ रहा है, और इन तीनों नंबर का 56 भी आंसर, इसलिए आंसर कौन सा होगा सर, डी वन, 8, 16 and 30। तो ये तो आपका डायरेक्ट ऑप्शन से करने का तरीका, और यही करेंगे आप, मेथड आप यूज मत कर, मेथड मैं बताऊंगा जरूर लेकिन मेथड यूज मत। अब मेथड क्या है वो चीज देखो, क्या बेटा एपी थोड़ी निकालना, द सम ऑफ थ्री नंबर्स, हमें तीन नंबर निकालना, तो सम ऑफ थ्री नंबर किसका है, ऊपर देख
जीपी में तो जीपी के तीन नंबर निकालो, ए बी थोड़ी निकालो। वो ये बोल रहा है कि यदि मैं तीन नंबर में नंबर तो जीपी वाले निकालो। मैं थर्ड प्रोडक्ट गिवन है कि तीन नंबर का बेटा प्रोडक्ट गिवन है क्या? नहीं गिवन। तो आप ए बाई आर ए और ए आर नहीं माने। फिर किसी ने बोला हमने मान लिया तो कैलकुलेशन और हार्ड हो, मतलब जो अभी हार्ड है उसके भी डबल हार्ड हो। आप बोलो करके दिखाओ तो मैं करके दिखा दू, मैं बोला ना हो जाएगी। तो आपको वो कब यूज करना है? जब आपको प्रोडक्ट गिवन। तो देखो ए प्लस ए आर 56 a minus 1 a r minus 7 r n में ap क्योंकि हमने क्या क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया 17 एंड 20। AR = 60 क्या? तो कोई डाउट बोलिए भाई। तीन नंबर ए आर ए आर स्क्वायर इनका सम 56 के इक्वल। अब ए प्लस ए आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 56 माइनस ए आर 1721 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एपी में आ रहा। और एपी में कब होता है? जब 2B = मतलब 2B ये भी इक्वल टू ए प्लस। इसकी जगह हमने फर्स्ट इक्वेशन से क्या रख दी 56 माइनस सोल्व कर लिया, ए आर की वैल्यू कितनी आ गई 60। ये मैंने इसको सोल्व कर दिया। आर की वैल्यू ए की वैल्यू 16 बाई आर रख दिया, क्या हो गया बहुत इजी 4 एंड 1।
So the numbers are first number क्या मान लो हमने a एक a आ गया हमारा 16 by a a अभी तक सोल्व कर तो करना पड़ेगा बेटा ये, बाकी तो ऑप्शन से करो आप। इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम आए सब ऑप्शन से हो, और आप ये देख लिए एपी और जीपी 90% प्रॉब्लम आपकी ऑप्शन से हो। यदि आप बोलते हो कि हम सोल्व करेंगे वो आपकी गलती होगी ऑप्शन से, मेथड में सबका बताऊंगा लेकिन होगी ऑप्शन से। इसके बाद लिखिए भाई सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी term of and terms of change. My first term A, second term AR, third term AR square, और चलता गया AR की power लास्ट। अब देखो एपी में जीपी में क्या करते हैं ये सम, यदि जीपी में हमें कोई सम निकालना है और आपके पास कोई ऐसी टर्म आ गई और आपको कॉमन रेशियो पता है तो आप क्या करिए कॉमन रेशियो से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करो सबको आर से मल्टीप्लाई करो, एक टर्म आगे बढ़ा के देखो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो बराबर है ऐड कर रहे कैसे भी ऐड कर रहे उससे क्या फर्क, मैंने एक टर्म बढ़ा दी एक टर्म आ गया अब इसको सब्ट्रैक्ट एक टर्म आगे बढ़ा के लिखा देखो ए आर से ए आर स्क्वायर से ए आर सब कैंसिल, इन दोनों में क्या कॉमन होगा
तो बेटा ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ, ये हम यूज करते हैं जब आर का वैल्यू वन से कम, ठीक है, दोनों फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं, मैं दूसरा लिखूंगा जिसमें, लेकिन हम जनरली कैसे कब यूज करते हैं इसको, जब आर का वैल्यू वन से ज्यादा होगा तो ये पूरा लिखो फिर अभी दोबारा सुनते हैं। जब आर का वैल्यू वन से कम है तो हम यूज करेंगे ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, और जब आर का वैल्यू वन से ज्यादा है तो कुछ नहीं किया, ऊपर से माइनस कॉमन लिया, नीचे से माइनस कॉमन लिया, दोनों फॉर्मूला सेम। ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर और ए आर की पावर एन माइनस आर माइनस, हमें तो फॉर्मूला यूज करना है, ये तो प्रूफ पता है, फॉर्मूला यूज करना है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी मॉडुलस आर लेस देन वन। अब मॉडुलस आर लेस देन वन का क्या मतलब होता है याद रखना, काम आएगा बिल्कुल सही, आर माइनस वन लेस देन माइनस वन से प्लस, मॉडुलस आर लेस देन वन का मतलब होता है आर का वैल्यू माइनस वन से लेकर प्लस वन के बीच, आर इज ग्रेटर देन माइनस वन एंड लेस देन प्लस वन, ये मॉडुलस आर लेस देन वन का मतलब। ठंड लगी उधर के पंखा चला नहीं चल रहा, मॉडुलस आर लेस देन वन। अब देखो एक चीज नोटिस करो, सपोज आर का वैल्यू वन से कम है वन बाई टू, तो सोचना वन बाई टू का स्क्वायर करो कितना, तो वन बाई टू से कम आ रहा है कि ज्यादा, कम है वन बाई फोर, कम हो गया भाई वन बाई टू, वन बाई टू है 0.5, स्क्वायर करोगे तो 0.25, अच्छा फिर क्यूब करो तो फिर कम हो गया, फिर आप पावर फोर करोगे तो और कम होगा, पावर फाइव करोगे तो और कम होगा, और एन इनफाइनाइट तक जा रहा है तो कम होते होते लगभग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लगभग कम होते होते कितना।